वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं गोंद के लड्डू, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गोंद के लड्डू कैसे बनाते हैं, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गोंद के लड्डू खाने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और ये सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। तो चलिए देखते हैं गोंद के लड्डू कैसे बनाते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन रख लिया है, इसमें मैं घी डालूंगी। घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ये हमारा घी अब गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है, मैं इसमें गोंद कर डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। सारा एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि गोंद घी में डालते ही फूलता है। घी हमें बहुत तेज गर्म नहीं करना है, नहीं तो गोंद एकदम से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे। देखिए गोंद अच्छे से भुन गया है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए मैं गोंद आपको चेक करवा के बताती हूँ। ये देखिए एकदम क्रिस्प करके गोंद टूट जाता है, इसका मतलब अंदर से कच्चा नहीं है, अच्छे से भुन चुका है। अगर अच्छे से ये भुनेगा नहीं तो अंदर से जब हम उसको ऐसे तोड़ेंगे तो वो चिपक जाता है, तो इसका मतलब वो कच्चा है। लेकिन ये एकदम से टूट गया है, पूरा चूरा बन गया, इसका मतलब ये अच्छे से भुन चुका है। गोंद को भूनते टाइम गोंद अगर ज़्यादा घी ऑब्जर्व करता है तो इसका मतलब आपका गोंद बहुत अच्छा क्वालिटी का है। जो गोंद घी को ऑब्जर्व नहीं करता उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है, वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी का गोंद लें। ये देखिए सारा गोंद भुनकर तैयार हो चुका है और ये कितना क्रिस्पी भुना है, ये देखिए। अब मैं इसको क्रश कर लेती हूँ। ये घी बचा है, इसको मैं छान के फिर से रीयूज करूंगी। ये गोंद भुनकर तैयार है, अभी ये गरम है। आप चाहें तो इसको गरम से ऐसे कोई भी एक फ्लैट सरफेस का लेके ऐसे इसको क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा मिक्सी में ग्राइंड करूंगी और बिल्कुल इसको दरदरा पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना है। ये देखिए गोंद को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, मैंने इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, बस हल्का सा दरदरा पीसा है। अब हम आटा भून लेते हैं। ये देखिए ये मैं वही कढ़ाई फिर से यूज़ कर रही हूँ और ये वही बचा हुआ घी है जिसको मैंने छान लिया है। अब इसमें थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। ये मैंने कुल 1 किलोग्राम घी लिया है जिसमें पहले मैंने गोंद को तला है। अब मैं इसमें आटा भूनूंगी और बाकी जो बचा हुआ घी है इसको हम बाद में यूज करेंगे। घी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। घी को ज्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ पिघलाना है। ये मैंने 1 किलो गेहूं का आटा लिया है जिसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा पिसवाया है, ज़्यादा बारीक आटा नहीं पिसवाया है। इसको घी में डाल के भून लेते हैं। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि गोंद में गेहूं का आटा नहीं डालते, मूंग का आटा डालते हैं, मूंग को पिसवा के उसका आटा डालते हैं, लेकिन
मैं ट्रेडिशनल तरीके से गोंद बना रही हूँ जिसमें गेहूं का आटा ही यूज़ होता है। अब इस आटे को हम अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल ब्राउन होने तक। इसमें घी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। ये देखिए, ये हमारा आटा भुन चुका है, कलर में भी ब्राउन हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। इसको अब हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। आपको आटे में ये ध्यान रखना है कि आटा आपको सूजी के जितना मोटा पिसवाना है। अगर आप बारीक आटा लेते हैं तो लड्डू खाते टाइम वो गले में चिपकते हैं जिससे कि अच्छा टेस्ट नहीं आता है, तो इसलिए सूजी के जितना मोटा आटा यूज करना है। ये मैंने आटे को एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। अभी आटा गर्म है, इसमें हम ग्राइंड किया हुआ गोंद डाल देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर इसको हम गरम गरम में मिक्स करते हैं तो इजीली मिक्स हो जाता है ये, वरना इसमें घी होता है तो जिससे ये जम जाता है और अच्छे से ग्राइंड भी नहीं हो पाता। अब ये देखने से आपको लग रहा होगा कि इसमें घी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इसमें हम खांड डालेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 100 ग्राम बादाम है जिसको मैंने हल्का सा रोस्ट करके और ग्राइंड कर लिया है। आप इनको हल्का सा कूट भी सकते हैं। ये 100 ग्राम काजू हैं, इनको भी मैंने हल्का सा रोस्ट करके और बारीक बारीक नहीं दरदरा मैंने पीस लिया है इसको। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें, जैसे कि किशमिश है, मगज है, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ये इतने सारे ड्राई फ्रूट खाते नहीं हैं, तो मैं सिर्फ आलमंड और कैशू डाल रही हूँ। अब इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, सिर्फ हल्का सा ठंडा, क्योंकि हम इसमें खांड डालेंगे और अगर गर्म में हम खांड डालते हैं तो फिर खांड पानी छोड़ देती है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये हमारा मिश्रण हल्का सा ठंडा हो गया है, अब इसमें हम खांड डाल देते हैं। ये मैंने आधा किलो खांड ली है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम मीठा पसंद है तो कम डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने पूरी नहीं डाली है, मैंने आधी रख ली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने ऑर्गेनिक खांड ली है, आप चाहें तो नॉर्मल देसी खांड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऑर्गेनिक अवेलेबल थी तो मैंने ऑर्गेनिक खांड डाल दी है। कुछ लोग गोंद के लड्डू बनाते टाइम उसमें गुड़ का यूज़ करते हैं, सर्दी में गुड़ भी अच्छा होता है, तो गुड़ को मेल्ट करके और इसमें डालते हैं, उसके भी लड्डू बनाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये खांड भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसका लड्डू बनाते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम हैंड वॉश कर लेंगे। आप अपनी मर्जी से छोटे या बड़े मीडियम साइज के लड्डू बना सकते हैं।
लड्डू बनाने से पहले एक बार आप मीठा चेक कर लीजिए। अगर आपको मीठा कम लगता है तो आप उसमें थोड़ा सा मीठा और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको घी कम लग रहा है तो घी कम करके वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए घी इतना होना चाहिए कि लड्डू आराम से ऐसे बाइंड हो जाएं। ये देखिए दोस्तों, सेहत और स्वाद से भरपूर गोंद के लड्डू बनकर अब तैयार है। इन्हें आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं या शाम को खा सकते हैं, लेकिन शाम को ये थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं, तो इसलिए अगर आप इन्हें सुबह सुबह नाश्ते में खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक लड्डू आप सुबह नाश्ते में खाएंगे तो आपको लंच तक भूख नहीं लगेगी और ये बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। सर्दी में गोंद के लड्डू खाना बहुत अच्छा होता है, इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। तो दोस्तों एक बार ये लड्डू बनाकर जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।